इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के विषय पर निर्धारित कुछ सवाल हल करेंगे ताकि आप इस विषय को स्पष्ट रूप से समझ सकें और प्रश्नों का हल निकाल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक आसान सवाल से। एक बैग में केवल नींबू के स्वाद की कैंडी होती है और मालिनी बिना बैग में लेके एक कैंडी निकालती है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वह संतरे के स्वाद वाली कैंडी कैंडी हो या फिर नींबू के स्वाद वाली कैंडी हो। तो इसका हल देखते हैं। अगर बैग में सिर्फ नींबू के स्वाद वाली कैंडी है तो हम कोई भी कैंडी निकाले वो सिर्फ नींबू के स्वाद वाली ही होगी। तो हम संतरे की स्वाद वाली कैंडी की प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं 0, जो कि संतरे की एक भी कैंडी नहीं है बैग में, डिवाइड बाय जितनी कैंडी है बैग में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 0। और सिर्फ नींबू के स्वाद वाली कैंडी है बैग में, तो हम अगर कोई भी कैंडी निकाले तो वह नींबू की ही होगी, तो उसके प्रोबेबिलिटी होगी 1। तो इससे हम देख सकते हैं कि संतरे के स्वाद वाली कैंडी एक आना एक असंभव घटना या इम्पॉसिबल इवेंट है। तो हम कह सकते हैं कि असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कि दो पासे या डाइस, एक नीला है और एक ग्रे, एक ही समय पे फेंके जाते हैं। तो हमें सभी संभावित परिणाम लिखने हैं और हमें निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पासे के ऊपर आने वाली संख्या का जोड़ 8 हो या 13 हो या फिर 12 या 12 से कम हो। अगर हम दो अलग अलग डाइस को एक ही समय पे फेंके तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? ये जो मानचित्र लिखा हुआ है इसमें सारी पॉसिबिलिटीज दे रखी है। ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं इसका मतलब है जो पहला नंबर है वो नीली वाली डाइस में आया है और जो दूसरा नंबर है वो ग्रे वाली डाइस में आया है। तो इसी तरह पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहली डाइस में एक आए और दूसरी डाइस में भी एक आए, और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहली डाइस में एक आया दूसरी डाइस में दो आए, इसी तरह पहली डाइस में एक आए दूसरी डाइस में तीन आए। इसी तरीके से हमारी कुल मिला के 36 पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो कि इस चार्ट में दी हुई है। अब हमें इस सवाल का दूसरा भाग हल करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पासे के ऊपर आने वाले संख्या का जोड़ 8 हो या 13 हो या 12 या 12 से कम हो। जैसे कि अगर नीली डाइस में एक आए और ग्रे डाइस में एक आए तो इन दोनों का जोड़ होगा 2। इसी तरीके से हमें सारे मेल निकालने हैं जिसमें ऊपर आने वाली संख्या का जोड़ 8 हो। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर आने वाली संख्या का जोड़ 8 हो? तो हम पिछली टेबल पे देख सकते हैं कि कुल मिला के 5 मेल हैं जिनकी संख्या का जोड़ 8 है, जैसे कि 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4 और फिर 5 और 3 और 6 और 2। तो प्रोबेबिलिटी हुई कितनों का जोड़ 8 है डिवाइडेड बाय कितने संभव परिणाम है। तो हमने देखा कि 5 मेलों का जोड़ 8 8 है और टोटल 36 मेल है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है 5/36। अब हम देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर आने वाली संख्या का जोड़ 13 हो। हमें पता है कि दोनों पासों पे सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो ज्यादा से ज्यादा उनका जोड़ 12 ही हो सकता है। तो एक भी ऐसा मेल नहीं है जिनका जोड़ 13 हो सके, तो प्रोबेबिलिटी होगी 0/36, वो होगी 0। अब इस प्रश्न का तीसरा भाग देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पासे के ऊपर आने वाली संख्या का जोड़ 12 या उससे कम हो। अब हमें पता है कि दोनों पासों के ऊपर आने वाली संख्या का जोड़ ज्यादा से ज्यादा 12 ही हो सकता है। तो ये जो सवाल की प्रोबेबिलिटी है वो हम कह सकते हैं 1 है, क्योंकि क्योंकि किसी भी केस में आने वाले संख्या का जोड़ 12 या उससे कम ही होगा।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और उसके परिणाम को नोट किया जाता है। और लिखा है कि हनीफ जीत जाता है कि जब सभी टॉस समान परिणाम देते हैं, यानी 3 चित या हेड या तीनों टेल, और अन्यथा परिणामों में वह हार जाता है। तो हमें हनीफ के हारने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम पहले देखते हैं इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ये परिणाम कुछ इस तरह है कि पहले उछाल में चित या हेड आए, दूसरे उछाल में चित या हेड आए, और तीसरे उछाल में भी चित या हेड आए। और दूसरा परिणाम है कि पहले उछाल में चित आए, दूसरे में टेल और तीसरे में चित, ऐसे ही मिला के 8 परिणाम हो सकते हैं। और हमें दे रखा है कि हनीफ हार जाता है अगर तीनों उछाल में असमान परिणाम आता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हनीफ सिर्फ 8 में से 2 ही परिणामों में जीतता है, बाकी 6 में वह हारता है। तो हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी हुई कितने में वह हारता है डिवाइडेड बाय कितने संभव परिणाम है। तो वह 6 परिणामों में हारता है और सारे मिला के 8 संभव परिणाम है। तो प्रोबेबिलिटी हुई 6/8 या फिर 3/4। तो चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक थाल में 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी लाल गेंद से दुगनी है, तो हमें बैग में नीली गेंदों की संख्या निर्धारित करनी है। इस प्रश्न में हमें नीली गेंद की संख्या नहीं दे रखी है, तो हम उसे एक्स मान लेते हैं। तो इसी तरह थाल में कुल 5+x गेंदे हो जाएंगी। क्योंकि नीली गेंद एक्स है, तो नीली गेंद आने की प्रोबेबिलिटी होगी x/5+x। और लाल गेंद 5 है, तो लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी होगी 5/5+x। और इस सवाल में हमें दिया है कि नीली गेंद आने की प्रोबेबिलिटी लाल गेंद आने से दुगनी है। तो हम लिख सकते हैं कि x/5+x होगा 2×5/5+x। तो आगे हम कह सकते हैं कि x = 2×5, तो x हो गया 10। तो इसमें हम कह सकते हैं कि थाल में 5 लाल गेंदे हैं और 10 नीली गेंदे, तो इसमें नीली गेंद आने की प्रोबेबिलिटी लाल गेंद आने से दुगनी हो जाएगी। इस प्रश्न में लिखा है कि एक जार में 24 कंचे हैं, उसमें से कुछ हरे हैं और अन्य नीले। यदि एक कंचा निकाला जाता है, तो उसके हरे होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो जार में नीले कंचे की संख्या का ज्ञात करना है। अगर हम नीले कंचों की संख्या को x मान लें, तो हरे कंचों की संख्या होगी 24-x। और हमें दिया है कि हरे कंचे आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो हम बोल सकते हैं कि 24-x/24, जो कि हरे कंचे आने की प्रोबेबिलिटी है, वो होगी 2/3 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि 24-x = 2/3 of 24, जो कि होगा 2/3×24, वो होगा 16 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं 24-x = 16, और हमें x को लिख सकते हैं 24-16 = 8। तो इसी तरह हमें x की वैल्यू 8 मिल गई, जो कि है नीले कंचों की संख्या के बराबर। तो फिर नीले कंचों की संख्या हो गई 8। तो इस प्रश्न में लिखा है कि एक लड़की गणना करती है कि उसकी लॉटरी में उसे प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी 0.08 है। यदि उस लॉटरी में कुल 6,000 टिकटें बेची जाती है, तो उसने हमें हमें गणना करनी है कि उसने कितनी टिकटें खरीदी होंगी। हम कह सकते हैं कि एक टिकट के फर्स्ट प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6,000 है, क्योंकि 6,000 टिकटों में फर्स्ट प्राइज सिर्फ एक ही टिकट को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक टिकट की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6,000। और अगर हम एक्स
टिकट खरीदें तो हमारी फर्स्ट प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/6000, जो कि होगी x/6000। और हमें दे रखा है कि हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.08 है, तो हम लिख सकते हैं कि x/6000 बराबर होगा 0.08 के। तो हम x को लिख सकते हैं कि 0.08 × 6000, जो कि 480 या 480 के बराबर है। तो अगर वो लड़की 480 टिकट खरीदे तो उसके पहले पुरस्कार जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.08। इस प्रश्न में हमें दे रखा है कि एक डिब्बे में 12 गेंद है जिसमें से x काली है। यदि एक गेंद यथेच्छिक रूप से निकाली जाती है बॉक्स में से, तो क्या इसकी क्या प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी है कि वह काली गेंद हो। और दूसरे भाग में पूछा गया है कि यदि बॉक्स में 6 और काली गेंदें डाल दी जाए, तो अब काली गेंद निकालने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी पहले से दुगनी हो जाती है। तो इसी के साथ हमें एक्स खोजना है। इसमें हमारे पास 12 गेंद है जिनमें से x काली है, तो काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी x/12। यदि बॉक्स में 6 और गेंद डाली जाए, तो अब बॉक्स में x+6 काली गेंदें होंगी और संपूर्ण 12+6 यानी 18 गेंदें होंगी। तो अब काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी x+6/18 होगी। और हमें दे रखा है कि अब प्रोबेबिलिटी पहले के मुकाबले दुगनी हो चुकी है, तो हम लिख सकते हैं कि x+6 = 2 × x/12, वो होगा x/6 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि x+6 बराबर होगा 3x के, और 2x बराबर होगा 6 के, और उससे हम कह सकते हैं कि x = 3। तो हम कह सकते हैं कि डिब्बे में 3 काली बॉल हैं और बाकी अन्य रंग की। चलिए अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि आप आकृति में दिखाए गए आयत का क्षेत्र में यथार्थिक रूप से एक पासा गिराते हैं। हमें प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वह 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के भीतर जाके गिरेगा। हम इस वृत्त और आयत के क्षेत्रफल की मदद से प्रोबेबिलिटी की गणना करेंगे। इस वृत्त का त्रिज्या या रेडियस है व्यास/2, व्यास होता है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 मीटर। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, जो कि होता है πr², वो हम कह सकते हैं 3.14 × ½² जो कि आता है 0.785। और इस आयत या रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होता है λ×चौड़ाई यानी length×breadth, जो कि होगा 3×2, वो होगा 6 m². तो हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे कि वो होगी वृत्त का क्षेत्रफल डिवाइड बाय आयत का क्षेत्रफल। ये प्रोबेबिलिटी होगी कि पासे को इस आयत में गिराएंगे तो वह इस वृत्त में गिरेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 0.785 और आयत का क्षेत्रफल है 6, तो प्रोबेबिलिटी होगी 0.785/6, जो कि होगी 0.13 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 0.13। और इसी के साथ हमने प्रोबेबिलिटी विषय के सारे प्रश्न पूरे कर लिए। और आपका इस वीडियो के द्वारा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।